आपको याद होगा लॉकडाउन के टाइम पे मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने अपनी मम्मी से बहुत सारे सवाल पूछे थे। उसमें से एक सवाल था कि मम्मी मेरी शादी कभी कराओगी। मम्मी ने बोला 2020 में करा दूंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैंने एंड किया था लैपटॉप के साथ, तो अभी हम लोग लैपटॉप देने जा रहे हैं शाइनेस को। स्कूटर में जाएंगे नहीं, गाड़ी में जाएंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप लोगों के कमेंट पड़े नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को टोपी अच्छी लगे। तो एक चीज़ है, स्कूटर ऐसे पहन के बैठने का, मुझे आज वसीम ने सिखाया ऐसे उल्टा। हाँ देखो भाई, टोपी मास्टर लोग हैं ये लोग, पहले से टोपी पहन रहे हो पहना रहे, तो मुझे सिखाया कि टोपी हमेशा उल्टा पहना करो, इससे उड़ती नहीं है और जैसी हो गया काम तो घुमा लेने का बाल ऐसे करके। वेलकम बैक टू द चैनल, बोल दिया ना वेलकम। तो मैं बर्गमैन के पीछे फर्स्ट टाइम बैठा हूँ एंड माय गॉड दिस इज सो कंफर्टेबल। लेकिन मुझे ये रोड में चलाने के लिए इतनी पसंद नहीं आई बिकॉज यार थोड़ी लंबी है इसका फेयरिंग, तो थोड़ा कट वट मारने के लिए मुझे प्रॉब्लम हुआ। बट अगर मैं एक्सेस के बाद कोई अगर स्कूटर लूँगा, अगर आज लेना होगा तो मैं ये बर्गमैन लूँगा, क्योंकि कलीम से और मैंने अलमान से बहुत तारीफ सुनी उसकी। गाड़ी में टोपी अच्छे से पहन सकते हैं, अभी भी I'm still getting used to it। मेरे लिए बड़ी बात है टोपी पहनना। भाई तू कितने सालों से पहन रहा है? तीन साल हो गया। कंफर्टेबल? बाल झड़ते तो नहीं ना भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो आपका लैपटॉप इज रेडी, टेक केयर ऑफ द लैपटॉप। बहुत मॉइस्चर था अंदर। लास्ट टाइम भी तूने तोड़ा था मेरा लैपटॉप। तोड़ा मैंने कैसे तोड़ा बता जरा। दिल्ली में गिर गया था अपने आप, तो ये बोलती है भूत है, लकड़ी का बंगला था हिलते हिलते गिर गया, भूत नहीं होते। There is positive energy, there is negative energy, there is no bhoot. लेकिन आज I feel positive energy from you. Tell why? Because you looking like Ranbir Kapoor, you wore his cap. That day मैंने निखिल को बोला कि अगर if you wear a cap, ना definitely you can fool people in the night. That is Ranbir Kapoor. यही कर गया है, बड़ा हरामी आदमी बन गया है। पहन के देख। मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिला हूँ जिसपे hat next level वाली suit होती है। शानेज उनमें से एक है। Literally मैं इसको देख कितनी jealous होती है ना। You look so dope with the hat, man. अगर इसका मेकअप नहीं होता ना अभी तो ये लिटरली बहुत यंग दिखती। मेकअप में कुछ लड़कियां थोड़ी बड़ी दिखती है। और ये थोड़ा सा वैसा मेकअप है ना इसलिए। हां ठीक है, चल टोपी वापस दे। मजाक करो पहने से पहले पहले। यार डीसी की टोपी है ना, आपको डीसी ज्यादा पसंद है। सी दिस वे द कैप लुक्स बेटर ऑन यू, लर्न फ्रॉम मी हाउ टू वेयर कैप्स। ओके, तो शैनिस को ड्रॉप किया और बहुत वियर्ड चीज हुई। जैसे मैं पवई आया, मेरे को टायर प्रेशर मॉनिटर का वार्निंग आया, बोला कि हवा कम है। अभी स्वर्ण बजे आएंगे अपनी पुरानी Q7 लेके, तो मेरे को टायर प्रेशर मॉनिटर का सेंसर एक्टिवेट हुआ, बोलता हवा कम है चेक करो। बोला पंचर तो नहीं हो गया? देखा तो चार टायर में हवा थी। तो जब मैंने चेक किया ये लगा कि, तो उसमें आया कि 2-2 PSI आगे के टायर से गिरा है, तो वही भर, सॉरी पीछे के टायर से गिरा है, अभी वही भर रहा था मैं। क्या बात है, स्वर्ण बाजी की पुरानी Q7 भी एक नंबर है। क्या आवाज़ क्या आ रही है इसमें से? अपने टायर की हवा अपन मेंटेन कर ली और ये स्वर्ण बाजी की गाड़ी भी आ गई। मानना पड़ेगा अभी भी कंडीशन में है। न्यू Q7 मींस द ओल्ड Q7। अभी चलती तो है नहीं, फिर तो अच्छी रहेगी। नहीं यार बहुत अच्छी मेंटेन की इन्होंने यार। या वाओ, सेम कलर। अरे ओह माय गॉड, जमीन आसमान का फर्क। टोपी टोपी गिर गई। बताओ इसका, इसकी गाड़ी स्टार्ट कहां से होगी? चाबी दो ना मुझे पता। अरे मेरे भाई मेरे पास थी, ऐसा मत बोलो भाई, चलाई मैंने। ये देखो ये ऐसा होती है और ये क्या हुआ? बैटरी गई। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या भाई, ये तो कैमरे में कैप्चर हो गया। इसे क्यों चालू हुई सर? सर भाजी मेरी बात सुनो, अभी एक बैटरी आपकी तरफ से फ्री। ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ी बहुत पुरानी ऑडी की गाड़ी थी ना, उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ता सर ना। अभी 30 लाख रुपया खर्चा किया इसको चालू रहने थोड़ा बहुत। बट सर 95,000 किलोमीटर चली है। Ladies and gentlemen, I am driving the old Q7 and it feels nothing like the Q7. Feels like a different car. Okay, power के मामले सोचो ये गाड़ी हिट थी तब जाके जो अपनी वाली Q7 है वो आई है, और इसका पावर लोग बोलते थे बहुत ज़्यादा पावर है। ओके दिस इज गुड कार, इट्स सच अ बल्की कार। इसके लिए इतनी हिट हुई थी बिकॉज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की फेवरेट कार थी, क्योंकि साइज है, और जो अपनी वाली Q7 है उससे थोड़ी छोटी है और 450 किलो हल्की है, और इसके लिए गाड़ी का परफॉर्मेंस ज़्यादा है। और एज यू कैन सी ऋषि पीछे कैसा बैठा है, बहुत क्रैम्प्ड है, बहुत क्रैम्प्ड है। तो बेसिकली क्या किया इन लोगों ने कि अपनी जो Q7 है उसको छोटा किया लेकिन अंदर स्पेस बढ़ा दिया। अब वो कैसे किया, वो सैक्रिफाइस किया थोड़ा बूट में,
इसका बूट बड़ा है, इसके अपना जो स्टेपनी है वो जो सेवंथ सीट है वहाँ पर स्टेपनी ऐसा अपना पैसेंजर में बैठा रहता है, इसमें वो बूट के अंदर है। वाली भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और इसका काफी सारा जो है सेंसर मुझे बता रहा है, लाइट उड़ गया है, पेट्रोल कम है, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। हाँ वो मुझे फील हो रहा है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है अभी लेने के लिए। बहुत ही चुम्बेश्वर वाला वर्कआउट एवरी डे मेरा हो रहा है मैन, बिकॉज ऑफ दैट चेंज है बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा है। रिमेंबर जब भी मैं कुछ महीनों पहले जब लॉकडाउन जस्ट खुलने लगा था, मैं बाइक लेके इंदौर गया था, वो मेरा फेस देखो और अभी का मेरा फेस देखो, बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली लॉकडाउन में मेरा 7-8 किलो पुट ऑन हुआ था, बट दैट पुट ऑन वॉज फॉर गुड बिकॉज मेरा जो शोल्डर प्रॉब्लम था कि मैंने माँ के हाथ का खाना खाया और घी भी डाला बॉडी में, तो वजन तो बड़ा ही बड़ा बिकॉज हम लोग घर में पड़े थे, लेकिन साथ ही साथ मेरा जो पूरा इंजरी थी वो ठीक हो गई बिकॉज घी डालना बॉडी में एक लिमिटेड मात्रा में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मुझे कोई अच्छे शोज नहीं दिखते, मूवीज नहीं दिखती, पता है मैं क्या करता, जो आप लोग करते हो मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ और टाइम पास जो है कमेंट पढ़ता हूँ। कसम से कुछ कुछ कमेंट्स कितने हिलेरियस रहते हैं, वहाँ से मैंने कुछ सवाल निकाले हैं शादी के बारे में, घर के बारे में, तो उस सब का जवाब मैं देता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं वर्कआउट खत्म करता हूँ, क्योंकि किसी मान आदमी ने मुझसे कहा है भले ही दिन में 15 मिनट कर लेकिन वेट ट्रेनिंग जरूर कर, तो वो करके मैं आप लोगों से फट से मिलता हूँ। देखो भाई वर्कआउट में ना कहावत होती है नो पेन नो गेन, लेकिन वो पेन की भी एक लिमिट होती है कि मसल पेन हो तो ठीक है, जॉइंट पेन हो या फिर देखा जा ये सब हरकत होना तो नहीं है। अभी वो MMA अभी खुल गया तो MMA कर रहा है वसीम और ये सब तोड़वा के लेके आ गया। मैंने स्टार्टर पैक ना भाई, शादी वादी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवर 25 विद एक्सपीरियंस करना अच्छी है। देखो इससे ज़्यादा मेरे को राइडिंग में होता है समझो, बड़ा राइडिंग में अलग होता है भाई, ये बहुत डेंजर है भाई। राइडिंग में कलाई चली गई थी मेरी भाई, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये इसके लिए बोल रहा हूँ, उसका हाथ इतना भी नहीं हिल रहा था, ये तो अच्छा है जेट स्प्रे करके तो काम हो गया भाई का। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा ये चीज़ क्या है, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आगे फॉलो करो। बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ, तो बेसिकली आई हैव कोलैबोरेट विद माय प्रोटीन फॉर दिस अमेजिंग हैप्पी दिवाली स्पेशल बॉक्स, और इसमें जो फोटो है मेरी बॉडी है, करंटली मेरी बॉडी मच बेटर है। तो आप लोग सोचो कि फोटो खींचे क्यों नहीं भेजा, फोटो खींच के भेजा था, लेकिन वो फोटो में थोड़ी नॉइस था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ये फोटो बहुत अच्छी क्वालिटी वाली थी, इसलिए फोटो यूज़ की है एंड अपना सिग्नेचर भी है इधर, मेरा जो चेक में साइन करता हूँ थोड़ा अलग है। तो प्लीज़ किसी ने बोला है कि मेरा और डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर सेम है, तो गूगल कर लो डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर और ये सिग्नेचर देखो, इट्स ऑलवेज द सेम। मेरा सिग्नेचर बॉक्स जिसे खोलते हैं आपको सबसे पहले मिलेगा हैप्पी दिवाली का लेटर, हैप्पी दिवाली और थोड़ा एक मैसेज रहे, एक पेपर, ये ब्लैंक पेपर है सॉरी, ये मेरी मम्मी ने रख दिया गलती से, और ये एनवेलप, तो ये फर्स्ट टाइम मैं खोल रहा हूँ, मुझे खुद को पता नहीं ये क्या है। कुछ कूपन कोड जो कि आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू यूज़। अब आता है मेन स्टफ, सबसे पहली चीज़ स्किपिंग रोप बिकॉज कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिर आता है हम सबका फेवरेट, वो है प्रोटीन। मुझे माय प्रोटीन ने चुनने वाला था कि विच प्रोटीन इज योर फेवरेट, ऑल्दो मुझे मैंगो चुना था लेकिन ऑलमोस्ट मैं रहते रह गया, और तब जाके मैंने चुना मेरा कुल्फी फ्लेवर। आप लोगों को पता है मैं अभी तक कुल्फी फ्लेवर पीता हूँ, तो डब्बे मैंने खत्म कर दिए कुल्फी फ्लेवर के। हम ट्रैवल करते तो क्या जरूरत पड़ती है कुछ मीठा खाने की, चाय कॉफी के साथ तो प्रोटीन ब्राउनी एंड प्रोटीन कुकी। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेप सीड एंड विटामिन सी बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और आखिर में थोड़ा माइंड द बॉक्स बिकॉज ये मैंने जो इसका कंटेंट था वो यूज कर लिया है और जो पढ़ा था उसको मैंने डाला है, वो है माय प्रोटीन डोसा मिक्स। अच्छे टाइम जोन में जी रहे हम लोग 2020, पुराने बॉडी बिल्डर्स को पूछो बोलेंगे साले हम लोगों से प्रोटीन के टाइम पे पाउडर मिलता था, वही पीना पड़ता था खाना पड़ता था, हम लोगों को तो सारा डोसा भी प्रोटीन में मिलता है, कुल्फी फ्लेवर मिलता है, क्या क्या इजिली अवेलेबल होता है, तो वी आर रियली रियली ब्लेस्ड। अभी देखो मैं बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, मैं फिटनेस बिलोंग करता हूँ, फिटनेस में भी वो भी कैसा खाओ पियो मस्त रहो वर्कआउट करो अच्छा खाओ वही सब अपना हिसाब। मुझे प्रोटीन ने बोला था कितने बॉक्सेस बनाने के लिए, मैंने उनको बहुत कम बॉक्सेस बोले, इफ यू वांट टू परचेस इट यू हैव टू डू इट एज़ सून एज़ पॉसिबल, या क्या पता अभी तक खत्म ही हो गया, सो देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो एंड चेक इट इफ इट्स स्टिल अवेलेबल और नो। अभी जितना भी कंटेंट आपने देखा जो बॉक्स से निकला है, आप यूजुअली ऐसा माय प्रोटीन की वेबसाइट से लेने जाओगे तो आपको गिरेगा 8,400, 8,459 समथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर आप ये बॉक्स खरीदते हो तो पूरा कंटेंट आपको मिलेगा 5,400 बेसिक, आपको सारी चीज़ों में अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। और हाँ इस बॉक्स के लिए अपना कूपन कोड नहीं चलेगा बिकॉज ऑलरेडी हैवी डिस्काउंटेड चीज़ें, तो इसमें कूपन कोड हम डाल नहीं सकते। दिवाली को टाइम है लेकिन सेल जल्दी आ गई है, तो 28 अक्टूबर मतलब आज आप लोगों के लिए मेरे लिए कल 2 बजे से लेकर दोपहर के 8 बजे तक शाम के माय प्रोटीन का सेल चलने वाला है, 31% फ्लैट ऑफ मिलेगा, वहाँ पर आप MS कोड कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है मैं हर अपनी बाइक और गाड़ी का नाम रखता हूँ, तो हमने अभी जस्ट Q7 का भी नाम रख लिया मैंने और शानिस ने मिलके, तो गाड़ी का नाम क्या है शानिस? कतार। गाड़ी का नाम है कतार और पेट नेम में हम क्या बुलाएंगे? हबीबी। हबीबी, तो गाड़ी का नाम है कतार और पेट नेम में हबीबी। हबीबी क्यों? बिकॉज वो डिस्चार्ज पहनते ना वाइट तंबूरा, तो इसके लिए हबीबी, हबीबी लगता है ना गाड़ी एकदम बड़ा बड़ा जायंट।
आपको याद होगा लॉकडाउन के टाइम पे मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने अपनी मम्मी से बहुत सारे सवाल पूछे थे। उसमें से एक सवाल था कि मम्मी मेरी शादी कभी कराओगी। मेरी मम्मी ने बोला 2020 में ही करा दूंगी, एंड में कराऊंगी, लेकिन कराऊंगी 2020 में ही, 2021 तक लेके नहीं जाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा सीन नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं भाई 2020 में शादी है, हमको पता है नवंबर में है, बर्थडे में है, न्यू ईयर में है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 2020 में शादी का प्लान नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि 2020 कितना अच्छा जा रहा है, तो हमको 2020 में ये इतिहास नहीं रचना है कि मैं शादी करूँ। मैंने शानिज और हमारे पेरेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि शादी होगी 2021 में होगी। कब होगी अभी फिलहाल डिसाइड नहीं किया है, और डिसाइड करेंगी तो भी मैं इतनी आसानी से व्लॉग में नहीं बताऊंगा। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो सीक्रेसी रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग अभी भी बोल रहे कि मैंने घर ले लिया। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट कि मैंने अभी तक घर नहीं खरीदा है। मैं प्लान कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, शायद बहुत नजदीक हूँ, लेकिन अभी तक नहीं खरीदा है। व्हाट इज द सीन विद पार्किंग माय कार समवेयर एल्स, वो चीज मैं आपको आने वाले कुछ हफ्तों में बता दूंगा। बहुत बड़ा सरप्राइज की प्लानिंग चल रही है, और ये चीज नोट करना कि मैंने ये जो भी बोला वो क्यों बोला वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। तो फिलहाल मैं मुंबई की एकदम बकवास ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। एज यू कैन सी, आगे जाने को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से व्लॉग गाड़ी के अंदर ही कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन, डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन। तरस खाओ मेरे पे ट्रैफिक फंसा हुआ और व्लॉग कर रहा हूँ। सो विद दैट एज ऑलवेज, शुक्रान, अलविदा, माशाल्लाह, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर योर माय लवली फ्रेंड्स। गाड़ी के जो कांच है वो बिल्कुल भी काले नहीं है, तो आजू बाजू से लोग अंदर देख रहे कर का रहा है ये आदमी। मैं कैमरे से बार बार बात कर रहा, लाइट चालू करके ऑफ करके, बिकॉज सारे लोग अपने साथ ही ट्रैफिक में आगे बढ़ रहे ना, इसीलिए। एनीवेज, अडियोस अमिगोस, शबक है, अभी अपना शबक है, अडियोस अमिगोस नया बन गया है, बाय बाय।